क्या हो जाइए ना, पीछे हो जाइए, ब्लॉक चलो, इस तरह सब खड़ा है। हमारे गांव के लोग, हमारे जिला के लोग, बहन बेटियां सब यहां है खड़ी आज। ठीक है, सारे लोग यहां पर देख रहे हैं, लेकिन कौन सा न्यूज बना के रखिए ना, और कौन सा न्यूज चैनल वाला, आप ये बताइए सच्चाई अभी तक दिखाया है। नहीं नहीं, सब लोग माइक लगाएंगे, हम जल्दी करिए भैया, सुनिए ध्यान से, हमारा एक ही चीज पूरा लीजिएगा, पीछे का सबसे पहले आज 7 साल पहले की बात है, जब आकांक्षा दुबे मुझे लोखंड वाला मिली, वो बिटिया रानी आई, बोली सर आपका जो है एल्बम शूट चल रहा है, उसको मालूम था कि मैं थोड़ा सा कड़वा डायरेक्टर हूँ जरूर, तो लोग बोले कि कड़वा डायरेक्टर है कैसे जाए, तो बोली आके हम भदोही सेकंड चल रहा है, वो बोली आके हम भदोही के हैं, हम बोला ये बिटिया भदोही कहाँ खाओ, भदोही कहाँ खाओ, तो कहा तो जहाँ का तू है हुई के हम हुई, कहा चौरी हमका कम सेठ तब तक कालिका बारा हमारा नियाउ रहो, कहे तो आ घरवा हमका भदोही हमारा ऊपर ज्ञानपुर घर, कहे ठीक बा। पहला गाना होकर जो है तोरे किया के काजल हम शूट किया, और शूट करे के बाद भैया सिर्फ वो लड़की के मन में एक ही चीज था कि हम आसमान छुएंगे, यही बन था कि मैं आसमान छूंगा, लेकिन छूने नहीं दिए, क्यों नहीं छूने दिए, कि वहां अनुराधा जैसी एक्टर थी कि अगर ये आगे आ गई तो हमारी चुहिया जैसी शक्ल कौन देखेगा। मुखबीर बन के आई और भैया घंटों भर में लहास जलवा के चली गई, और होटल मैनेजर ऐसा सुनने में आ रहा है कि किसी जज का होटल है, और जज साहब आपसे हम गुहार कर रहे हैं, कितने लोगों को फांसी, कितने लोगों को सजा, और कितने लोगों को जेल कराए होंगे, आप जरा बताइए इस बहन बेटी के बारे में, कितना जेल और कितने लोगों को पैसा लेके छोड़ दिए यार, आपको धिक्कार है, आपको धिक्कार है, आपको धिक्कार है जज साहब, आपको धिक्कार है, आप जज बनने के लायक नहीं हो, अगर आप ट्रांसफर हो गए हो तो शायद आपके जिंदगी का बहुत कड़वा दिन होगा, और ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा, 9 दिन का नवरात्र हूँ, गला बैठे जा रहा है, माता रानी का हमारे ऊपर आवास है, अब मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ जो माता रानी आप लोगों के घरों में दिया बुझा देगी। अच्छा अच्छा, अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो धरना दीजिएगा लोग, अभी ही धरना देंगे, और मैं आत्महत्या करूंगा, आप लोग साथ हैं, सब मेरे साथ हैं, साथ दिलाने के लिए, अगर आप लोग साथ देते हैं तो 24 घंटे के अंदर अगर इंसाफ मिला, इंसाफ जरूर मिलेगा, हम लोग साथ देंगे, हम साथ हैं, हमारा गांव, हमारा देश पूरा साथ है, हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं, एक बेटी बहन को इंसाफ मिलेगा, जिस तरह इस तरह केस को दबाया जा रहा है, आप लोग का बेटी के साथ होगा उसी तरह, आपके मीडिया के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से, एकता हमारे में तो इतनी है कि हम खाए बगैर मर जाए चलेगा, लेकिन जो है हम साथ सोते हैं, साथ गाते हैं, साथ रोते हैं, सुबह फिर लड़ाई झगड़ा करेंगे, लेकिन शाम को फिर साथ रहेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, न्याय के लिए लड़ना है, हम लोगों को नहीं छोड़ेंगे, हमारी बेटी है रे सालो, हमारी बेटी है, तुम लोग भदोही का कमजोर समझ के मार डाले हो, तुम लोग एक गरीब घर के ब्राह्मण समाज के लड़की को मार डाले हो, तुम लोग के घर में दिया बुतेगा, ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ कि तुम्हारे बेटी के भी साथ हो, जब एक गरीब के लड़की के साथ ईश्वर से घटना होता था, यहाँ का कोई भी नेता नहीं आता सामने, आप देख रहे हैं हम आकांक्षा दुबे भोजपुरी स्टार, जो इसके हाल ही में फांसी लगा के मृत्यु बताई जा रही है, और उनकी माता रो रो के चिल्ला के चीख चीख के कह रही हैं कि नहीं, समर सिंह इसका कातिल है, तो आप देख सकते हैं यहाँ के लोग कितने बौखलाए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं इस बात से कि अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई, उनके भाई उनके घर के लोग बहुत तकलीफ में हैं, काफ़ी लोग आए हैं यहाँ पे और लेकिन अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, ये लगातार हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, यहाँ के लोग किस तरीके से हैं, उनकी माता कैसे रो रही हैं और बता रही हैं कि ये हत्या है, एक सोची समझी चाल है, अरे उससे कह रहे लाश देख के, अरे यार तुम भी मर जाते हो वहीं पे, इतना धैर्य खो दिए, जरूर पड़े मर जाते, मेरी आपकी बहन गई है ना,
अब आप क्या घुमा के बैठे रहे भाई, चिल्ला रहे हो तब जब वहाँ शांत हो गए तब हम लाश नहीं जलने देते दे। बिल्कुल बड़े ये लोग थे यार, यार हम बंबई से बार बार फोन लोगों ने कहा था कि लाश मत जले दीजिए, लाश मत जले दीजिए। वो सवा तीन लाख रुपया लेकर के मुखबिरी की है वो बंबई से डायरेक्ट बना रहे थी माधर चोर सिंह की रखायल है वहाँ करके ऐसा रोने लगी इनकी आकांक्षा कुमार को पकड़ करके वर्ल्ड वाइड का रखा है उसका रखा है आकांक्षा कुमार की मोबाइल ले ली वही इसको भेजा था और तुरंत लाश को जलवा करके सरदार लोगों को कर बार बार मैं मुंबई से फोन कर रहा हूँ की लाश मत जलने दीजिएगा। आकांक्षा दुबे के ये छोटा सा गाँव है जो आप देख सकते हैं कि ये छोटा सा गांव है उनका, यहीं पे वो रहती थी बचपन में और इसके पहले मुंबई में जाके अपना मुंबई में रहना स्टार्ट कर दी थी और ये उनका पूरा घर का है दृश्य। यहाँ पे लोग मातम छाया हुआ, यहाँ के लोग कैसे बिलबा रो रहे हैं। कहाँ पहुँचे आप लोग, कहाँ तक पहुँचे आप काम कर? चले उस होटल मैनेजर बुलाओ, मारा है वो लोग इसलिए रिपोर्ट दिखा रहे हैं, पैसा खाया है वो तो होटल में थी आखिर, होटल मैनेजर खाया है इसका मतलब तो होटल में कोई सुराग था जाने के लिए, सब सुराग था पूरा, वहाँ सीसीटीवी लगा था, फर्जी रिपोर्ट दिखा रहे हैं, रुपया लेके फर्जी रिपोर्ट बनवाए हैं। अब अभी भी कागज सादा आया हमारे घर पे साइन करो, कोई नहीं मैं बोला नहीं होगा साइन, हम सब बोलेंगे। तो रिपोर्ट आ रहा है कहा जा रहा है कि नहीं आत्महत्या है, आत्महत्या बोल रहे हैं, आत्महत्या है बैठा हुआ, फोटो में दिखा रहा हूँ, ये आत्महत्या का फोटो है, आप लोग लाइन पे बने वही दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए आत्महत्या का फोटो है, हम आत्महत्या दिखा रहे हैं इनको, ये आत्महत्या का किसी उनकी बहन बेटी आत्महत्या की है, उनकी बेटी सब चीज की है, हमारी बेटी बहन बेटी आत्महत्या की, उनकी बेटी करे तो जो है मर्डर की है, हम दिखा रहे हैं ये आत्महत्या है, आप बताइए कि आत्महत्या है, ऐसे आत्महत्या होता है? सर जो फिल्म अच्छा के शूटिंग में दौरान गई थी, फिल्म किस फिल्म का शूटिंग हो रहा था, किस ये आत्महत्या है आप सब बनाइए आत्महत्या है, हम दिखा रहे हैं आपको, बैठ के कोई फैसला लगाता है क्या, हो सकता है बैठ के गलत थोड़ी लगेगा, ऐसे करिए ध्यान से देखिए सारे मीडिया देखिए ध्यान से, आत्महत्या है ये, बैठ के की है आत्महत्या करेगी, सबसे बड़ी बात सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ ना, रुपया से उदय ठकरवा गाज दिया, कुछ नहीं हुआ सब लोग गाज दिए, आज आकांक्षा का हुआ है वही हाल लोग कर रहे हैं, लेकिन हम होने नहीं देंगे, हम होने नहीं देंगे, सोच रहे हैं कि वैसे ही हो जाएगा, नहीं होगा, ये बता रहे हैं किसी एक का नहीं, यहाँ सौ बहन बेटे, अगर कुछ कहना है कि समर सिंह कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है अभी, कुछ भी नहीं है, ये रिपोर्ट किसने बताया है अभी, समर सिंह हम कह रहे हैं अगर आप लोग दोषी नहीं हो तो आप लोग भाग क्यों रहे हो, भाग क्यों रहे हो, सही बात है, उस तुम्हारा वही बहन बेटी तुम्हारे सामने साथ में गा रही थी नाच रही थी, आओ उसके घर पे सांत्वना दो, कोई नहीं दे रहा है, हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, मेरी भी गलत नहीं सही है, वो आत्महत्या तो कर ही नहीं सकती है, और जहाँ तक पुलिस की बात है वो लीपाबोधी कर रही है, जुड़ेंगे यहाँ के पब्लिक से भी बात करेंगे आकांक्षा के बारे में, फिलहाल शुक्रिया, सही बात, चलिए धरना, हम सब रोड पे बैठेंगे, आज कोनो सेलिब्रिटी अगर आ रहा है तो अगर उनको हमसे हमदर्दी है तो आए हमारे सब बिल्कुल, हम ऐसी नहीं दे सकते हैं उनको, अब कोई व्यवस्था हमारे घर पे है नहीं देख सकते हैं, हम नहीं देंगे, हम रोड पे बैठेंगे और रोड पे आज इनके नाम की कार्रवाई, कल का बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।